माता जी, इस समय हम दरबार पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर दरबार सजा हुआ है, पूरे दरबार को फूलों से सजाया हुआ है और पूरी माता की झांकी यहाँ पे बनाई हुई है। आप आएंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत ही बढ़िया सजा हुआ है, भीड़ बहुत है। नवरात्रि का फर्स्ट डे है आज। लगेज के लिए, स्टोर के लिए, लॉकर के लिए 4-4 घंटे लग रहे हैं, दर्शन के लिए भी 4-4, 8-8 घंटे लग रहे हैं, पर श्रद्धालु पूरा अपना श्रद्धा भाव से यहाँ पे दर्शन के लिए लगे हुए हैं लाइन पे। काफ़ी भीड़ है पर लोगों का जो जज्बा ज़बरदस्त है। आप आइए, अगर आप नवरात्रों में आ रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नवरात्रों में अवॉइड करें क्योंकि भीड़ बहुत होती है, उसके बाद आप कभी भी आ जा सकते हैं। आज का ये वीडियो वैष्णो देवी के दरबार का है। मैंने ये एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो सिर्फ दरबार की डेकोरेशन को लेकर के है। दरबार बहुत ही सुंदर सजा हुआ है, करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे फूल मंगवाए गए हैं, नेचुरल फूल हैं सारे, और बहुत ही सुंदर दरबार को उन फूलों से सजाया हुआ है। चलिए आइए दरबार की तरफ चलते हैं और जो सुंदर अरेंजमेंट किया गया फूलों के द्वारा उन सबको देखते हैं। माता के दरबार की डेकोरेशन जहाँ से रोप वे स्टार्ट होता है वहाँ से शुरू होती है और पूरे दरबार तक जाती है। ये जो टोटल डिस्टेंस है लगभग 1 किलोमीटर का, ये पूरा सुंदर फूलों से सजा हुआ है। पूरे रास्ते को बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन की गई है, बहुत ही बढ़िया झांकियाँ बनाई गई हैं। आप इस वीडियो को देखिए और उस पूरे दरबार में जो डेकोरेशन हुई है उसको इंजॉय कीजिए। ये वीडियो में मैंने खाली दरबार में जो डेकोरेशन हुई है उसको कवर किया है क्योंकि सारे लोग मुझे मैसेज डाल के बोल रहे थे कि आप वीडियो दिखाइए दरबार का, क्या क्या सजावट हो रखी है, क्या क्या झांकियाँ बनी हुई है। सो ये डेडिकेटेड वीडियो माता के दरबार का है। इसके अलावा मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा पूरी वैष्णो देवी यात्रा का, साथ ही साथ एक और मैं वीडियो बनाऊँगा और जिसे मैं जल्द अपलोड करने वाला हूँ, वो है वैष्णो देवी में कहाँ पे क्या अच्छा खाने को मिलता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माता के भवन पर देश विदेश से मंगवाए फूलों से सजावट की गई है। प्रमुख मार्ग पर रंग बिरंगी फूलों की लड़ियां लगाई गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के अलावा इंग्लैंड, कनाडा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया समेत करीब 10 देशों से गूटा, गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल, कीवी आदि के फल और फूल मंगवाए गए हैं। इन फूलों से माता के दरबार को सजाया गया है। इन फूलों की महक से पूरा जो रास्ता है इतना खुशबूदार और है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी इत्र के बागान में चल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है, जो माहौल है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, आपका दिल खुश हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे रास्ते को डेकोरेट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 40 ट्रक फूल यूज़ हुए हैं और 2 ट्रक के आसपास फल यूज़ हुए हैं। सो इन टोटल 40 से 42 ट्रक जो हैं फूल और फलों के इस पूरे पैसेज को डेकोरेट करने में यूज़ हुए हैं। बहुत ही सुंदर है, आप ये देखिए झांकियाँ कितना सुंदर सुंदर इन्होंने डेकोरेशन की हुई है पूरे दरबार तक, मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखिए आप,
ऑन एन एवरेज डेली यहाँ पे 40 से 45 हजार श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी तादाद है, और आने वाले दिनों में नवरात्रि के ये तादाद और बढ़ जाएगी। ये देखिए कितने सारे श्रद्धालु जो हैं जो माता के दर्शन करने जा रहे हैं या करके आ रहे हैं। भवन के रास्ते में बहुत सारी ये सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं जो आपको मतलब दिल से खुश करके रख देंगी। इतनी सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं, इतनी प्यारी झांकियाँ बनी हुई हैं कि लोग यहाँ रुक करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, पांव छू रहे हैं देवी देवताओं के। बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन की हुई है। ये देखिए आप कितनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है। श्रद्धालु यहाँ हजारों की तादाद में पहुंचे हुए हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पांव रखने की भी जगह नहीं है, पर जो जज्बा है माता के दर्शन के लिए वो इतना ज़बरदस्त है कि इतने जोर जोर से यहाँ पे जयकारे लग रहे हैं कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है ना वो इतना बढ़िया है, आपका मन करेगा बस आप यहीं रहें और इस पूरे जो मौसम है और जो ये पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट होकर डेकोरेशन के साथ इसको बस आप इंजॉय करते रहें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा जो एक किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है जो इतनी सुंदर फूलों और झांकियों से सजा हुआ है, यह आपने शायद ही कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खुशबूदार रास्ता है, आपको मज़ा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता दी।